बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोग के लिए एक और आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तंदूरी चिकन। मैंने सबसे पहले एक 2.5 kg चिकन लिया और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी। स्पाइसेस में मैं यूज़ करूँगी, मैं शान का फ़िश मसाला यूज़ करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैंने तकरीबन 2 tablespoons लिया। ज़ीरा पाउडर मैंने 1/2 teaspoon, सॉल्ट 1 teaspoon और शान का ही तंदूरी मसाला 2 tablespoons और धनिया पाउडर 1/2 teaspoon। और इसके अलावा चिकन पर जाएगा ऑयल, बिकॉज ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि स्टीम करते हुए फिर ये अंदर से बहुत ऑयली ऑयली सा बन जाता है, बहुत मज़े का टेक्सचर आता है इसका। तो ऑयल जो लोग इसको आखिर में फ्राई नहीं करते वो लोग लाजमी जो है तो इस पर ऑयल या घी और बटर जो भी आप लोग के पास अवेलेबल हो आप लोग डाल दीजिएगा। मैंने गार्लिक और अदरक का पेस्ट डाला। इसके बाद जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए वो सारे मैंने इस पर लगा दिए और साथ ही मैंने जो है सिंथेटिक विनेगर यानी सिरका लिया वो मैंने 1 tablespoon डाला। जो चिली सॉस था वो मैंने तकरीबन 2 tablespoons डाला और सोया सॉस भी मैंने डाला था, बट शायद वो मैं दिखाना भूल गई थी। नहीं, मैं दिखा चुकी हूँ। तो सोया सॉस भी मैंने तकरीबन 2 tablespoons इस पर डाला था। और फिर इसको अगर आप लोग चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट करें या 6 से 8 घंटे के लिए करें तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इससे चिकन अंदर तक जो है वो मसाला लग जाता है। मेरे पास टाइम इतना नहीं था इसलिए मैंने जस्ट इसको 2 घंटे के लिए ही मैरिनेट किया था। फिर मैंने एक डीप से बर्तन में पानी डाला और ये मेरे पास स्टीमर एक है, ये आप लोग के पास ईज़िली घरों में अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने चिकन को जो सारे पीसेस थे वो मैंने इस पे रख दिए और ढक्कन लगा के मैंने इसको तकरीबन तकरीबन 25 minutes के लिए मैंने इसको पकाया है। फिर मुझे ये थोड़ा सा फ्राई भी करना था बिकॉज कस्टमर की चॉइस थी कि उनको रोस्टेड चिकन चाहिए था। वैसे मैं इसको मसाला लगा के ओवन में बेक भी करती होती हूँ, बट दिस वॉज कस्टमर्स चॉइस कि उनको रोस्टेड चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा स्टीम इसलिए किया ताकि ये अंदर तक पक जाए। और फिर मैंने इसको ऑयल में डाल के सारे पीसेस मैंने ऑयल में फ्राई कर लिए। जो बेक चिकन होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप लोग के पास ओवन है और आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो आप लोग इसको बेक करें, या अगर आप लोग के पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप लोग इसको पकाएं, नहीं तो जस्ट स्टीम इज़ आल्सो गुड। मतलब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बट ये ध्यान रखें कि फिर आप लोग इसमें नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालें बिकॉज स्टीम करने से नमक की जो का टेस्ट है वो कम हो जाता है। अब ये जो है दिस इज़ द मेन पार्ट, लेमन इस रेसिपी का एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। आप लोगों ने लाजमी जो है आखिर में इस पे लेमन स्प्रिंकल करना है, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और अगर आप लोग इसको कोल का जो धुआँ है वो देना चाहते हैं, उसका टेस्ट आपको पसंद है बारबेक्यू का, तो वो भी दें। मैं अगेन बताऊँगी, मैं ये ऑर्डर के लिए बना रही थी इसलिए मैंने ना इसको कोल का जो बारबेक्यू का टेस्ट था वो दिया, ना ही मैंने इसको ओवन में बेक किया। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और अगर स्पाइसी चाहिए तो आप लोग इसमें मज़ीद भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका फेवरेट है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।